जय हिंद बच्चों, आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को समझने के लिए हम लोग को टू डायमेंशन भी समझ में बेहतर तरीके से आना चाहिए। टू डायमेंशन में याद कीजिए, आप लोग पढ़ते थे कि एक जो होता है आपका ये एक्स एक्सिस होता है और यह वाई एक्सिस होता है, और यहाँ पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है जीरो जीरो होता है। यह नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यह आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और यह आपका नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो यह जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है टू डायमेंशन में कहलाता है, और यह टू डायमेंशन जो होता है किसी भी प्लेन को चार भाग में बांटता है। याद होगा आपको, ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, और ये होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और यह होता है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यह चार, किसी प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड करता है, चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। अब इसको जो है हम लोग 2D के नाम से भी जानते हैं, सिर्फ 2D कह दीजिए तो समझ जाएगा कि हाँ भाई यह टू डायमेंशनल ज्योमेट्री है। अब यहाँ पर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता क्या है कि इसमें भी तो हमारा एक्स एक्सिस होता ही है और वाई एक्सिस भी होता है, लेकिन एक एक्सिस और होता है इसमें जिसको हम लोग जेड एक्सिस कहते हैं, और यह जेड एक्सिस जो होता है ना इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर होता है, इस तरह से क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। अब नहीं समझ में आ रहा होगा अभी, तो यह जो आपका 2D है यह जो है प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, प्लेन को चार भाग में बांट दिए, और यह जो है आपको स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। अब पहले थोड़ा स्पेस के बारे में समझ लीजिए, तब उसके बाद यह जो तीसरा डायमेंशन आपको बताया गया कि इसके परपेंडिकुलर होता है तो थोड़ा कुछ कुछ समझ में आएगा। तो ये ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा स्पेस है। पृथ्वी कहाँ है भाई, स्पेस में ही है। कोई भी ग्रह उपग्रह पिंड वगैरह सब जितने भी हैं, आकाशगंगा एस्ट्रॉयड वगैरह सब जो भी है, सारे जो है आपके स्पेस में ही है। और स्पेस की भाई लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो यह अनंत है। जहाँ तक चले जाइए आज तक जो है स्पेस का और छोड़ कभी नहीं मिला हुआ है। तो ये स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यह स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से ऊपर अगर चले जाएँ तो यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस होता है, और यहाँ से मान लीजिए बोर्ड के उस पार का यह लाइन, यहाँ पर हम गाड़े, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन लिए, या इस तरह से समझ सकते हैं एगो छड़, हम बहुत लंबा ऐसा छड़ ले लिए और इधर से घुसा दिए, आधा उस पार कर दिए आधा इस पार कर दिए, तो इसके अंदर जो आधा उस पार गया वो आपका हो गया निगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, और इधर जो आधा आपका निकला हुआ है यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस हो गया। तो इस तरह से ये तीन एक्सिस होते हैं किसमें, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में। और इसमें इसको समझने के लिए एक चीज़ और आप लोग को मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग क्यूब बनाते होंगे क्लास 10 में, क्यूब और क्यूबाइड जो है बड़ा आराम से बना लेते होंगे क्लास 10 में। तो चलिए हम लोग क्यूब बनाते हैं। क्यूब बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, क्यूब बनाने के लिए हमको चाहिए इस तरह से एक स्क्वायर, इस तरह से एक स्क्वायर, और उसके बाद इस तरह से ऐसे करके हम लोग मिला देते थे और बता देते थे कि सर को देखिए सर ये हमारा क्यूब है। इसमें क्या होता था कि हालांकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का जो लेंथ होता है वो सेम ही होता है। अब इस क्यूब को तो आप देख रहे हैं कि ये कैसा फिगर है, थ्री डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि इसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है। तो जब लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों ऑब्टेन करके रखे कोई भी चीज़ तो वो थ्री डायमेंशनल फिगर कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में ये बोतल है, यह जो है थ्री डायमेंशनल फिगर है, थ्री डायमेंशनल बॉडी है। यह दूसरा बोतल, यह भी थ्री डायमेंशनल है। उसके बाद हम ये डब्बे को ले लें तो यह भी आपका थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों है।
तो उसी तरह से ये जो हम लिए हुए हैं क्यूबाइड, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों है आपका। अब इसको हम एक्सिस पे ला देते हैं। ये हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, ये हम ले लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये हमारा हो जाता है जेड एक्सिस। हालांकि देखिए तीनों एक्सिस जो है ना एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, और यह हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ तो समझ में आ नहीं रहा है बोर्ड पे। वैसे भी अगर आपको टेबल बनाने के लिए दिया जाता होगा, बचपन में टेबल बनाते होंगे, है कि नहीं, सर बोलते होंगे कि टेबल बनाओ रे, तो टेबल बनाने के लिए इस तरह से लाइन खींचते होंगे आप लोग, और उसके बाद एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर यहाँ, एक पैर जो पीछे रहता है उसको थोड़ा सा इधर दिखा देते होंगे। तो यह चार गो इस टेबल का पैर हो गया। अब यहाँ पर देखिए टेबल तो आपने बना दिया, टेबल में आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि यह 90 डिग्री है। 90 डिग्री तो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, लेकिन एक्चुअल में ये तो परपेंडिकुलर है भाई। टेबल तो आपका क्या कहते हैं, इस तरह से टेढ़ा तिरछा केक के तरह तो बनेगा नहीं, तो इसलिए यह भी आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ भी आपका 90 डिग्री ही होता है। लेकिन हम इसको प्लेन फिगर पे थ्री डायमेंशनल को ड्रॉ कर रहे हैं तो दिखाना मुश्किल हो जाता है, तो वही कुछ कंडीशन है यहाँ पर। तो यह जो है आपका थ्री डायमेंशनल फिगर में हम देख सकते हैं कि यह आपका जो बॉडी है थ्री डायमेंशनल का है, और यह थ्री डायमेंशनल के मदद से हम स्पेस में कहीं भी किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता के उसके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं। कहीं कोई मान लीजिए कि यहाँ एक मच्छर उड़ रहा है, यहाँ पर स्थिर हो गया, यहीं पे स्थिर हो गया, रुक गया, मच्छर को बोल दिया कि रुक जा, तो भाई रुक गया, वो हमारा बात मान लिया तो रोक दिए। अब इसका पोजिशन जो है हमको देखना है। एक्स एक्सिस में मान लीजिए कि यह 10 सेंटीमीटर है, वाई एक्सिस में यह 5 सेंटीमीटर है, और यह ऊपर जब उठे तो यह जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक्स एक्सिस में 10, वाई एक्सिस में 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जेड एक्सिस में 10 सेंटीमीटर आने के बाद उस मच्छर का लोकेशन पता चल गया। तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 10 हो गया, x कोऑर्डिनेट 10 हो गया, y कोऑर्डिनेट 5 हो गया, और फिर z कोऑर्डिनेट आपका 10 हो गया। तो यह जो है मॉस्क्यूटो का जो है लोकेशन हमको मिल गया, अभी जिस मच्छर को हम बोले थे कि भाई रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ। तो इस तरह से हम लोग थ्री डायमेंशनल में स्पेस में कहीं भी किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन हम लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावे अब मान लीजिए क्या कहते हैं, जहाज, हवाई जहाज उड़ रहा है, अब वो तो स्पेस में है, कहने का मतलब कि खाली जगह में है, उसका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उसकी जानकारी के लिए हम लोग को यह थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है मदद करता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि ये जो टू डायमेंशनल था इसको हम लोग चार क्वाड्रेंट में बांटे हुए थे, इसको हम लोग कितने भाग में बांट सकते हैं। तो इस स्पेस को कितने भाग में बांटने के लिए एक चीज़ समझते हैं हम लोग। ये हम जो है आपके सामने खड़े हुए हैं, अब ये पूरा स्पेस है, मेरे आगे भी स्पेस है, कहने का मतलब स्थान है, और मेरे पीछे भी है। तो हम जो है अपने सामने आधी दुनिया को ही देख सकते हैं। आधी दुनिया को मान लीजिए कि आपको देखने का बहुत कैपेसिटी है, ऐसे भी आदमी का क्या कहते हैं देखने की कैपेसिटी को इन्फिनिटी लिया जाता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े थे। तो इधर इस स्पेस में हम अनंत तक देख सकते हैं, और इधर जो मेरे पीछे है उस स्पेस को हम अनंत तक देख ही नहीं सकते हैं, उस स्पेस से जो है हमको क्या कहते हैं उसके बारे में नहीं है पता, नहीं देख पाते हैं। तो अगर हम सिर्फ खड़ा है तो हम देखते हैं कि जनरली हम दो भाग में स्पेस को बांट सकते हैं। मेरे सामने से अगर एक प्लेन गुजर जाए तो एक ऐसा स्पेस जिसे हम देख सकते हैं, और मेरे पीछे एक ऐसा स्पेस जो है जिसे हम नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ फिलहाल दो पार्ट में स्पेस हमारा बट गया। लेकिन यह जो आपका थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है, यह स्पेस को आठ भागों में बांटता है। कैसे आठ भागों में बांटता है, ये आपको जो दिखा रहे हैं हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, यह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस है।
तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में सब लिए हुए हैं। अब यदि इसको हम इस तरह से बढ़ा दें तो यह जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो एक स्पेस जो है इसके बगल में भी एक डब्बा, इसी तरह का डब्बा जो है इसके बगल में आप सेट कीजिए। इसी तरह का डब्बा कहने का मतलब क्यूब जो है बगल में सेट कीजिए, तो यह दूसरा आपको स्पेस मिलता है जिसको हम लोग ऑक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे फिर से सुनिए कि यह जो है क्वाड्रेंट में बटा होता है और थ्री डायमेंशनल जो होता है वो आपका ऑक्टेंट में बटा होता है। यहाँ जो पहला आप क्यूब देख रहे हैं, यह क्यूब जो है फर्स्ट ऑक्टेंट में है, यानी कि यह जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जेड एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ हमको मिलता है फर्स्ट ऑक्टेंट मिलता है, ऑक्टेंट मिलता है। अब इसके बाद जो है इसके बगल में हम निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ चले आए, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि इस बॉक्स को, इस क्यूब को उठा के इधर रख दिए, तो यह बॉक्स, यह जो क्यूब टाइप का जो दूसरा स्पेस आपको मिलता है इसको हम लोग सेकेंड ऑक्टेंट कहते हैं। उसी तरह से अब यहाँ पर इसको हम निगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन और जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन। हालांकि ये जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ आपका बनाता है थर्ड ऑक्टेंट। कौन सा बनाता है? थर्ड ऑक्टेंट बनाता है। और इसके बाद इधर जो है यह आपका फोर्थ ऑक्टेंट बनाता है। तो अब यहाँ पर आपके मन में होगा कि भाई फर्स्ट ऑक्टेंट सर कितना बड़ा होता है, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के बारे में अभी देखिए, यह जो हमने क्यूब बनाया है यह फर्स्ट ऑक्टेंट में ही है। अब इस क्यूब को आप जो है बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बहुत बड़ा क्यूब, कहने का मतलब कि आप जितना बड़ा क्यूब सोच सकते हैं उससे भी बड़ा क्यूब है यह, उससे भी बड़ा इन्फिनिटी लेंथ का क्यूब है। तो फर्स्ट ऑक्टेंट में आप इन्फिनिटी डायरेक्शन में जाइए, ये भी डायरेक्शन आपका इन्फिनिटी, यह भी डायरेक्शन आपका इन्फिनिटी, ऊपर भी इन्फिनिटी और इसके बाद सामने भी इन्फिनिटी, इधर भी इन्फिनिटी, तीनों डायरेक्शन में आप बढ़ते चले जाइए। तो वह जितना भी बॉक्स बड़ा होगा ये समझ लीजिए आपका हो गया फर्स्ट ऑक्टेंट। उसी तरह से कंसीडर कीजिए सेकेंड ऑक्टेंट, उसी तरह से कंसीडर कीजिए थर्ड ऑक्टेंट और उसी तरह से कंसीडर कीजिए फोर्थ ऑक्टेंट। अब यहाँ पर हम लोग बताते हैं कि अगर किसी पॉइंट का लोकेशन जो है फर्स्ट ऑक्टेंट में रहेगा तो उसका जो है कोऑर्डिनेट में जो हम तीन पॉइंट लेके लिखते हैं, जैसा कि हमने बताया था मच्छर का पोजीशन 10, 5 और 10 है, तो हमेशा हमको तीन कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये हो गया वाई कोऑर्डिनेट, ये हो गया जेड कोऑर्डिनेट। अब यदि फर्स्ट ऑक्टेंट में है, फर्स्ट ऑक्टेंट में कोई पॉइंट है तो इसमें एक्स वाई और जेड का जो साइन होगा, एक्स वाई जेड का साइन तीनों प्लस प्लस है, तो समझ जाएंगे हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट है। इसके बाद सेकेंड ऑक्टेंट, ऑक्टेंट के लिए क्या होगा, देखिए यह आपका जेड एक्सिस जो है निगेटिव डायरेक्शन में आ जाता है, माफ करेंगे, ये एक्स एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में, वाई पॉजिटिव में रहता है और जेड पॉजिटिव में रहता है, तो निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, माफ करेंगे पॉजिटिव। अब यह जो है थर्ड ऑक्टेंट में अगर चला गया कोई पॉइंट तो थर्ड ऑक्टेंट में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, और यदि कोई भी पॉइंट फोर्थ ऑक्टेंट में इधर वाला स्पेस में चला आया तो यह आपका हो जाता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। इस तरह से चार ऑक्टेंट बना। अब यह चारे ऑक्टेंट नहीं होता है, इसमें आठ ऑक्टेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह आपका प्लेन फिगर जो है चार क्वाड्रेंट में बटा हुआ है, लेकिन यह जो है आपका आठ ऑक्टेंट में बचा हुआ है। ऑक्टेंट का मतलब होता है अष्टक, है कि नहीं, यह पहला अष्टक, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा। वन पहले अष्टक के पीछे चले जाइए, आप कहने किधर चले जाइए, पहले अष्टक के पीछे चले जाइए,
तो अब देखिए पीछे हम लोग कैसे जाते हैं, तो यह जो जेड एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन है, अभी जो हम यहाँ से छड़ इसने लंबा ऐसा छड़ जो घुसाए थे है ना, मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर एक लंबा ऐसा छड़ घुसा हुआ है, उस पार भी निकला हुआ है, तो उस पार के बारे में आप कंसीडर कीजिए। तो इधर से जो गया छड़ उधर जितना निकला वो आपका जेड एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन है, जेड एक्सिस का निगेटिव डायरेक्शन है। पहले ऑक्टेंट के पीछे जो है पाँचवा ऑक्टेंट होता है, सेकेंड ऑक्टेंट जो कि जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसके पीछे वाला ऑक्टेंट जो होता है छठा ऑक्टेंट होता है, इसके बाद यह जो थर्ड ऑक्टेंट के पीछे सातवां ऑक्टेंट और फोर्थ ऑक्टेंट के पीछे आठवां ऑक्टेंट। तो इस तरह से यह आठ ऑक्टेंट में बटे रहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पॉइंट के बारे में सोचें, इसके पॉइंट के बारे में, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि फर्स्ट के बाद फिफ्थ ऑक्टेंट में हमको पता लगाना है एक्स कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है और जेड कोऑर्डिनेट का साइन क्या होता है। तो यह जो है प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, और यह जो है आपका सिक्स ऑक्टेंट में यहीं से देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और सेवेंथ ऑक्टेंट को हम यहाँ से ही लिख सकते हैं, यहाँ से ही लिख सकते हैं माइनस माइनस माइनस, और एट्थ ऑक्टेंट को हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस और यह माइनस। अब यहाँ पर जो है ध्यान क्या देना है कि इसमें फिफ्थ के बाद जितने भी ऑक्टेंट आए हुए हैं सब में जेड कोऑर्डिनेट जो है आपका निगेटिव है, और एक से लेकर चार तक का जो ऑक्टेंट है इसमें हमारा जेड कोऑर्डिनेट जो है वह पॉजिटिव है। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब मान लीजिए कि अभी भी आपके दिमाग में नहीं रहता है ये बात, है ना, नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है ना क्वाड्रेंट तो जानते हैं भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट आप जानते हैं। अब यदि आपको ये कह दे कि कोई पॉइंट जो है माइनस टू थ्री और सेवन है, इस तरह से माइनस टू थ्री और सेवन है, आप क्या काम कीजिए कि इसमें इस दोनों को देख के क्वाड्रेंट पता लगाइए, माइनस टू और थ्री को देखकर क्वाड्रेंट पता लगाइए। तो क्वाड्रेंट पता चल गया, यह जो है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है। अगर इसके साथ पॉजिटिव लगा रहे हैं, सेवन जो है पॉजिटिव में है, तो इसको सेकेंड ऑक्टेंट बोल दीजिए, सेकेंड ऑक्टेंट बोल दीजिए। अब यदि ऐसा रहे, इस एक पॉइंट लेते हैं माइनस टू फोर और माइनस थ्री, अब यहाँ माइनस टू और फोर जो है इस पे हम विचार करते हैं, यह आपका चला जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है निगेटिव, तो निगेटिव का मतलब हो गया कि प्लस फोर कर दीजिए, तो टू प्लस फोर कितना होता है सिक्स, तो यह आपका सिक्स ऑक्टेंट में हो जाएगा, छठा ऑक्टेंट में हो जाएगा। आप इस तरह से भी ध्यान में रख सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए कि माइनस टू माइनस थ्री और माइनस सेवन, इस तरह से कोई पॉइंट दिया गया है और इसको हमको बताना है कि किस ऑक्टेंट में है, तो ये दोनों देख के पता लगाइए कि दोनों को देख के समझ में आ रहा है कि यह थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और इसके साथ जुड़ा हुआ है निगेटिव, तो निगेटिव जैसे देखे ना तो जब प्लस फोर कर दीजिए, तो थ्री प्लस फोर सेवन्थ हो गया, तो सेवन्थ ऑक्टेंट में यह हो जाएगा, यह पॉइंट कहाँ हो जाएगा भाई, सेवन्थ ऑक्टेंट में हो जाएगा। तो हालांकि ये सब फिर से हम चर्चा करेंगे, है ना, फिलहाल हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर कि एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो, वाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो, और जेड एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट हो, तो वो सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, और इसमें एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, ये सब क्या होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस ले लिए हैं, हालांकि इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस होगा, इधर अगर बढ़ते हैं तो निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस होता है, इधर बढ़ते हैं तो निगेटिव ऑफ जेड एक्सिस होता है, इस तरह से ये आपका एक्सिस हो गया। तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जब होगा, एक्स एक्सिस पर
कोई भी पॉइंट अगर होता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट जो जीरो होता है, ए जीरो जीरो के फॉर्म में यह होता है हमेशा पॉइंट। अब जैसे मान लीजिए कि 2 0 0 आपको पॉइंट दिया तो कहाँ पे है यह भाई, एक्स एक्सिस पर है। -3 0 0 कोई पॉइंट दिया आपको, कहाँ पे है यह, आपका एक्स एक्सिस में है। तो समझ में आ गया होगा कि आपका एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होते हैं क्या होते हैं, -3 0 0। अब इसके बाद हम लोग समझे कि वाई एक्सिस पर है ना, थोड़ा सा वीडियो डिले हो गया था, मतलब अंधेरा आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरा के ऊपर ही मक्खी बैठ गया था इसीलिए नहीं दिख रहा होगा कुछ, हालांकि हमको लगता है कि ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया होगा ये मक्खी। तो वाई एक्सिस पे आप अगर देखते हैं तो इसमें यह जो पॉइंट होता है 0 b 0 के फॉर्म में होता है। ऐसे भी याद कीजिए, आप एक्स एक्सिस पे लेते थे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता था, अगर वाई एक्सिस पे लेते थे तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता था 2 डायमेंशन में, और यहाँ 3 डायमेंशन वाली बात है। अगर वाई एक्सिस पे है पॉइंट तो हमारा 0 b 0 के फॉर्म में होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाएगा। अब यही पॉइंट आपको कह दे कि 0 -3 0 है भाई, तो किस एक्सिस में है, बीच वाला देख रहे हैं वाई कोऑर्डिनेट है, बाद में कि 0 है तो कह देंगे वाई एक्सिस पे है। ये मान लीजिए 0 4 0 लिख दिया तो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब उसके बाद जेड एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो यह हमेशा 0 0 और सी के फॉर्म में होगा। जैसे 0 0 4 दे दिया, यह आपका जेड एक्सिस पे है। 0 0 0 और यह -7 दे दिया, यह भी आपका क्या है, जेड एक्सिस पे है। अब इसके बाद हम लोग पढ़े कि प्लेन, प्लेन जो होता है एक्स वाई प्लेन एगो होता है और वाई जेड प्लेन होता है इसमें, और यह जेड एक्स प्लेन होता है। अब ये एक प्लेन होते कहाँ कहाँ से है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर जेड एक्सिस को कंसीडर नहीं करें हम, तो यह जो प्लेन आपका होगा, यह प्लेन जो हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लेन हो जाएगा। तो एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट में a b 0 के फॉर्म में होता है, एक्स और वाई होता है और जेड जो होता है आपका 0 होता है, जेड कोऑर्डिनेट 0 होता है। अगर जेड कोऑर्डिनेट 0 है तो वहाँ समझ लीजिए कि यह जो है आपका एक्स वाई प्लेन पर है। इसके बाद वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस ये हो गया और यह जेड एक्सिस हो गया। कहने का मतलब कि यहाँ से जो है इस तरह से जो प्लेन है आपका, ये जो प्लेन देख रहे हैं, ये कॉपी मैंने परपेंडिकुलर रखा है, ये प्लेन जो आप देख रहे हैं ये आपका जेड एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब जो ये प्लेन है आपका, ये प्लेन को बहुत बड़ा समझ लीजिए, बहुत बड़ा प्लेन समझ लीजिए, तो ये जो प्लेन है ना आपका, ये आपका वाई जेड प्लेन हो जाता है, जिसमें वाई जेड और एक्स 0 होता है, यह ए बी और सी के फॉर्म में होता है, 0 b c के फॉर्म में होता है। और जेड एक्स प्लेन पर क्या होता है, यह ए 0 और सी के फॉर्म में होता है। तो देखिए जेड एक्स प्लेन हम लोग जानते हैं, तो ये आपका कॉपी को हमने ऐसे रखा है ना, तो ये एक्सिस हो गया जेड एक्सिस, ये वाला जेड एक्सिस हो गया, माफ़ करेंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आगे जो है परपेंडिकुलर जेड एक्सिस हो गया। तो इस तरह का प्लेन, इसी प्लेन को जो है आप बहुत बड़ा प्लेन समझ लीजिए। तो यह जो प्लेन आपका मिलता है, यह प्लेन जो होता है आपका जेड एक्स प्लेन होता है, जेड एक्स प्लेन पर कोई भी पॉइंट इस फॉर्म में होता है। अब यदि आपको कहे कि -2 0 और 7 भाई किस प्लेन पर है, तो बीच में देखते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट जो है 0 है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स बचा और जेड बचा, तो एक्स जेड प्लेन बोल देंगे इसको। अब इसके बाद मान लीजिए कि 3 7 0 दिया हुआ है, एक्स है इसमें, वाई है इसमें और जेड जो है 0 के बराबर है, तो इसीलिए एक्स वाई प्लेन हो गया यह। तो कौन सा पॉइंट किस प्लेन में है, इसका डिसीजन करना बहुत भारी मुश्किल नहीं है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ऑक्टेंट समझ में आ गया होगा, और ऑक्टेंट के आधार पर ही ऑक्टेंट को पता लगाने के लिए हमारा क्वाड्रेंट भी बहुत मदद करता है। तो चलते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं, इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे।
ये आपका क्या कहते हैं, एक्सरसाइज 26A को आप लोग देख सकते हैं, एक्सरसाइज 26A को। तो एक्सरसाइज 26A का पहला नंबर का जो प्रॉब्लम है आपका, ये कह रहा है क्या कि इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे लाइज करता है, देन फाइंड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो बाबू ये तो सिंपल है कि यह जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस में, यह जेड एक्सिस पर कोई पॉइंट लाइज करता है, तो इसका मतलब हो गया कि यह एक्स कोऑर्डिनेट जीरो, वाई कोऑर्डिनेट जीरो और जेड कोऑर्डिनेट जो है कुछ ना कुछ है, तो इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो हो गया और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका जीरो हो गया, पहला हो गया आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि इफ़ ए पॉइंट लाइज ऑन वाई जेड प्लेन, तो यह पॉइंट जो है आपका वाई जेड प्लेन पर है, तो निश्चित रूप से इसमें एक्स जो है कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तभी यह वाई जेड प्लेन पे है, अभी तुरंत जैसा कि आपको बताया गया। तो कहता है एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो जीरो होगा। इसके बाद कहता है इन विच प्लेन डच द पॉइंट 4-3, 0 लाइज, तो तीसरा कहता है कि प्लस फोर है, -3 है और जीरो है, तो कहता है कि किस एक्सिस पर, किस प्लेन पर यह लाइज करता है। तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट इसमें हाई, वाई कोऑर्डिनेट इसमें हाई, जीरो जो कि जेड कोऑर्डिनेट है जो कि नहीं है, जीरो के बराबर है, तो निश्चित रूप से यह कौन सा प्लेन हो गया भाई, एक्स वाई प्लेन हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं एक्स वाई प्लेन कहते हैं। जैसा कि अभी आपको तुरंत बताएं कि एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट का जो फॉर्म होता है वह किस तरह का होता है। इसके बाद आपको पूछता है कि ये सारे पॉइंट जो है किस ऑक्टेंट में है, तो ऑक्टेंट पता लगाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक हम बताते हैं जो कि कभी फेल नहीं होने वाला है। आपको पता होगा कि क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आप जानते होंगे कि यह जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है दोनों पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में यह पॉजिटिव और निगेटिव होता है, पॉजिटिव और निगेटिव। किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव में होगा, वाई कोऑर्डिनेट जो है निगेटिव में होगा, तो हम कहेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसको तो जान ही रहे हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट उठाते हैं, ये कहता है कि -4, -1 और -6, यह पूछ रहा है किस ऑक्टेंट में है। तो पहले दो देखिए, पहले दो देखने से हमको समझ में आ रहा है कि यह जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसके साथ जो जेड क्वाड्रेंट है वह किस में है, निगेटिव में है, तो यह निगेटिव दिखे तो प्लस फोर कर दीजिए, तो 3 + 4 होता है 7, तो यह आपका 7th ऑक्टेंट में हो जाएगा। किस ऑक्टेंट में हो जाएगा भाई, 7th ऑक्टेंट में हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं 2, 3, -4, दूसरा कहता है कि 2, 3 और -4 है, तो कहने का मतलब कि 2, 3, तो 2, 3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करता है, 2, 3 दोनों प्लस हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर निगेटिव कहा, निगेटिव कहा तो प्लस फोर कर दीजिए, तो 1 + 4 होता है 5th, तो 5th ऑक्टेंट में हो जाएगा। अब यदि ऐसे जोड़ने तोड़ने वाला झंझट लगता है आपको तो मत याद रखिए, खाली आप ये पता लगा लीजिए कि किस क्वाड्रेंट में है, किस क्वाड्रेंट में है। अगर जो क्वाड्रेंट आपको पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर निगेटिव दिखे तो उसके पीछे समझ लीजिए, तो फर्स्ट ऑक्टेंट के पीछे 5th ऑक्टेंट है, सेकेंड ऑक्टेंट के पीछे 6th ऑक्टेंट है, 7th के पीछे, माफ करेंगे, 3rd के पीछे 7th ऑक्टेंट है और 4th ऑक्टेंट के पीछे 8th ऑक्टेंट है। माइनस दिखे तो पीछे वाला ऑक्टेंट समझ लेना है, या नहीं तो ऐसे याद रखना है। तीसरा नंबर कहता है कि -6, 5 और -1 है, ये -6, 5, तो -6, 5 देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है हमको, अब माइनस इसके साथ जुड़ा हुआ है तो प्लस फोर कर दीजिए, तो 2 + 4 यानी कि सेकेंड ऑक्टेंट के पीछा वाला ऑक्टेंट कौन सा हो गया, पीछे वाला ऑक्टेंट 6th ऑक्टेंट हो गया। ऐसे भी देखिए 2 + 4 करके देखिए 6th, तो यह 6th ऑक्टेंट में चला गया,
क्लियर है। इसके बाद हम लोग फोर नंबर देखते हैं, यह फोर माइनस थ्री और यह माइनस टू है। तो फोर माइनस थ्री देखिए, फोर माइनस थ्री जो है यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और यहाँ इसके साथ निगेटिव जुड़ा हुआ है। तो निगेटिव कहने का मतलब कि फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि यह चौथा ऑक्टेंट के पीछे वाला ऑक्टेंट कौन सा है, एट्थ है। तो यह आपका हो जाएगा एट्थ ऑक्टेंट हो जाएगा, है ना। और ये जो निगेटिव है चाहे तो ऐसे प्लस कर दीजिए, तो फोर प्लस फोर हो जाएगा आपका एट ऑक्टेंट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद तो यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला में भी क्या होता है, जिस तरह से 2D में होता था, दो पॉइंट होता था और एक पॉइंट को हम लोग क्या लेते थे, X1 Y1, तो यहाँ X1 Y1 Z1 ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट B को X2 Y2 और Z2 ले लेते हैं। तो इस दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना है। तो अब देखिए, इसके डिस्टेंस को हम लोग जिस तरह से 2D में निकालते थे उसी तरह से करेंगे, कोई खास अंतर नहीं है इसमें। X2 माइनस X1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का होल स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, और इसी फॉर्मूला के आधार पर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन आप लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर जो है एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 आपका ये पॉइंट दिया हुआ है, बी है -2 1 और 7 दिया गया है या 2 ही दिया हुआ है। तो यह भी स्पेस में पॉइंट है, यह भी स्पेस में पॉइंट है। तो इस दोनों पॉइंट को हम मिला दिए, है कि नहीं, लाइन से तो मिला नहीं सकते, स्पेस में दोनों पॉइंट है। तो इसके ए बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 2 -2 कर देंगे, 2 -2 का होल स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ कहेंगे आप लोग कि सर ये तो आप X1 - X2 कर दिए, अगर ये X1 Y1 Z1 है और ये आपका X2 Y2 और Z2 है तो आप X1 - X2 का होल स्क्वायर कर दिए। तो बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला जो है आपका सिर्फ इतना ही नहीं, आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि AB = X1 - X2 का होल स्क्वायर और प्लस Y1 - Y2 का होल स्क्वायर और प्लस Z1 - Z2 का होल स्क्वायर। अब ध्यान रखना है भाई, एक बार अगर जो इसको शुरू में लेना शुरू किए तो हर एक जगह यह पहला पोजीशन पे ही रहेगा, देख रहे हैं ना, X1 Y1 Z1 सब पहला पोजीशन पे है और X2 Y2 Z2 सब जो है दूसरे पोजीशन पे है। ये नहीं कि एक बार इसको पहला पोजीशन पे रखें, एक बार इसको पहला पोजीशन पे कर दें, यहाँ Y2 - Y1 कर दिए, तो ऐसा नहीं करना है। इस तरह से आप ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, दोनों स्थिति में आप जो है रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो यह 4 का स्क्वायर होता है, इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर होता है, यहाँ भी आपका 2 का स्क्वायर होता है, 4 4 16 +4 +4, तो इस तरह से आपका निकल गया 24 √24। यही यूनिट हो गया, इतना यूनिट हो गया इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस फॉर्मूला का उपयोग जो है आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, इस पर जरा सा ध्यान दीजिएगा। आपको प्रूफ करने के लिए देगा कि भाई दिखाइए कि यह जो आपका 4 पॉइंट दिया गया है, यह चारों पॉइंट मिलके स्क्वायर बनाता है। जैसे क्या कहते हैं, 4 पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट दिया, फिर बी पॉइंट दे दिया, फिर सी पॉइंट दे दिया, फिर डी पॉइंट दे दिया। तो ये X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2, है ना, और X3 Y3 Z3 तीन पॉइंट, यह X4 Y4 और Z4 4 पॉइंट दे दिया। तो स्क्वायर प्रूव करने के लिए आपको तो पता ही है कि अगर AB = BC = CD = AD, यह चारों लेंथ बराबर हो जाए, चारों साइड की लंबाई बराबर निकल जाए, और इसके बाद डायगोनल भी इसका बराबर निकल जाए, ये डायगोनल भी इसका बराबर निकल जाए, तब हम इसको स्क्वायर कह सकते हैं। रेक्टेंगल कब कहेंगे, जबकि अपोजिट साइड इसका भी डिस्टेंस निकाले,
इसका भी डिस्टेंस निकाले, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, फिर एडी निकाले, फिर बीसी निकाले, ये दोनों का भी लेंथ आपस में बराबर है, और इसका जो डायगोनल है इसका भी लेंथ बराबर है, तो हम क्या कहेंगे वो रेक्टेंगल है आपका। अब यदि ऐसा हो कि चारों साइड बराबर हो और उसके बाद डायगोनल बराबर नहीं, तो वैसे फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, रोम्बस, जिसको हम लोग हिंदी में समचतुर्भुज कहते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, पैरेललोग्राम का कॉन्सेप्ट, रोम्बस का कॉन्सेप्ट आपका हो गया, स्क्वायर का हो गया, उसके बाद रेक्टेंगल का हो गया, ये सब चीज की हमको जरूरत पड़ती है, इसकी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, और डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब एक तरह का प्रॉब्लम आपको और पूछेगा, जैसे कि बताइए कि यह जो आपका जो ए बी सी दिया हुआ है, सी जो कि एक्स थ्री वाई थ्री और जेड थ्री, आपका यह ए बी सी जो है कोलिनियर है। कोलिनियर कहने का मतलब होता है एक रेखीय है। तो क्या करेंगे हम लोग, ए सी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, सी बी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके, फिर ए बी निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। अगर किसी दो का सम जो है तीसरे के बराबर अगर हो जाएगा तो हम क्या बोल देंगे कि भाई ये तीनों पॉइंट्स जो है आपका कोलिनियर है। फिर से सुनिएगा, अगर किसी दो लेंथ का सम तीसरे के बराबर अगर हो जाए तो हम क्या कह देंगे, कोलिनियर कह देंगे। इस तरह का प्रॉब्लम जो है ना हम लोग बनाए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन का जो पहला चैप्टर आप देखिएगा ना तो उसमें भी बनाए हुए हैं। हालांकि इसका जो आपका 26B के जो प्रॉब्लम है, 26 एक्सरसाइज 26B के जितने भी प्रॉब्लम है ना, ये सारे प्रॉब्लम आपका इसी टाइप का है, रेक्टेंगल को प्रूव करना है, स्क्वायर को प्रूव करना है, और डिस्टेंस निकालना है, कोलिनियर है, और कुछ कुछ भी और सवाल है। तो जितने भी प्रॉब्लम आपका इसमें दिया गया है तो जिसमें यूनिक यूनिक टाइप का है, इसमें से तीन चार प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है हम आप लोगों को देंगे। कहने का मतलब अब जो आप लोगों को बताने जा रहे हैं हम, ये आपके कॉपी पे बताने जा रहे हैं, जो जो एक अलग अलग टाइप का जितना भी प्रॉब्लम है उसको मैंने सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करके अब कॉपी के माध्यम से पेश करूंगा। तो आइए हम लोग चलते हैं कॉपी के ऊपर। एक्सरसाइज 26B के क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखते हैं कि कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कहने का मतलब हो गया समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज बच्चों कैसे बनता है यह तो आप लोगों को पता है, ये अपोजिट साइड जो है इसका पैरेलल होना चाहिए यानी समांतर होना चाहिए, और ये वर्टिसेस आपका दिया गया है जिसमें ए जो है समझ लीजिए कि 1, 2, 3, बी पॉइंट आपका -1, -2 और यह -1, सी पॉइंट जो है यह 2, 3, 2 दिया गया है, और यह डी पॉइंट जो है 4, 7 और 6 दिया गया है। और इसमें दिखाना है कि यह पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में हम लोग जान रहे हैं कि अपोजिट साइड जो होता है वह इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी बी सी सी डी और ए डी का लेंथ निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं और उसके बाद देखते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो ए बी को जब निकालेंगे तो यह हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यह छोटे छोटे प्रॉब्लम तो आप लोग सॉल्व कर ही लेते होंगे। अब ये हो गया 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया यह, और 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाता है यहाँ पर, और यह आपका 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 16, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 36, जिसका वैल्यू होता है आपका 6। तो इस तरह से हमने देखा कि यह जो है आपका 6 यूनिट लेंथ का है। उसी तरह से हम लोग बी सी को निकालेंगे, तो बी सी के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 प्लस 1 हो जाएगा,
अब फिर 3 माइनस माइनस 2 करेंगे तो यह 3 प्लस 2 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि हम 2 माइनस माइनस 1 करते हैं तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है, जो कि आपको मिलता है 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, या 25 होता है, अगेन फिर 9 होता है। तो 18 प्लस 25 जो है आपका, 18 प्लस 25 जब करेंगे 43 हो जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 43 निकल गया आपका। इसके बाद BC हम निकाल चुके हैं, अब CD निकालते हैं। CD निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ क्या करते हैं, किसी एक को हम लोग मान लेते हैं पहला में, दूसरे को इसमें, इसको माइनस कर देते हैं। तो 4 माइनस 2 करते हैं, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। अब फिर इसमें Y2 में Y1 को माइनस करेंगे, 7 माइनस 3 का स्क्वायर करते हैं, और फिर 6 माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं। तो 6 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये आपका 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और फिर 4 का स्क्वायर, तो यह स्क्वायर रूट ऑफ आपका 36 निकल जाता है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं AD को। तो AD निकालने के लिए क्या करेंगे, किसी पॉइंट को लीजिए और उसके करस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट्स को माइनस करते जाइए। 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, है ना। तो यह आपका 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इससे निकलता है, और फिर यहाँ भी 3 का स्क्वायर, तो यह आपका 9 प्लस 25 प्लस 6 9। तो देखिए कुछ इसी तरह का है यह भी, तो यह भी आपका रूट अंडर 43 हो गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB जो है आपका, यह CD के बराबर है, और उसके बाद BC जो है, BC यह AD के बराबर है। तो इतना सा ही काफी है इसको पैरेललोग्राम कहने के लिए, क्योंकि अपोजिट साइड जैसे इक्वल हो गया तो हम इसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। देयरफॉर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर ये कहता है क्या कि ABCD इज नॉट ए रेक्टेंगल, यह रेक्टेंगल नहीं है। तो रेक्टेंगल नहीं तभी होगा जब इसका डायगोनल जो है अनइक्वल होगा, क्योंकि रेक्टेंगल अगर हम देखते हैं तो इसका डायगोनल जो होता है वह क्या होता है, इक्वल होता है। इसका लेंथ जो होता है आपका AB C और D है, तो AC और BD इक्वल होता है रेक्टेंगल में, और यह पैरेललोग्राम में AC और BD इक्वल नहीं होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि AC और BD को निकालते हैं। तो AC निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और फिर यह आपका 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इस तरह से कुछ भी कीजिए, यह भी 1 आता है, यह भी आपका 1 का स्क्वायर आता है, और ये आपका -1 का स्क्वायर आता है। तो कुछ भी आए, 1 1 1 होता है, तो ये आपका √3 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं BD में। तो BD को हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट से 4 माइनस माइनस 1 करते हैं, तो यह 4 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर 7 माइनस माइनस 2 करते हैं, तो 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाता है। यह 6 माइनस माइनस 1 करते हैं, तो 6 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाता है। तो यह 5 का स्क्वायर हो गया, यह 9 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आपका 7 का स्क्वायर। तो इस तरह से जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये लगभग आपका निकल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 155। तो निश्चित रूप से यह दोनों जो हैं आपस में बराबर नहीं है। तो अंतिम में हम यह निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि हियर AC नॉट इक्वल टू BD, देयरफॉर इट इज नॉट रेक्टेंगल, यह जो है आपका रेक्टेंगल नहीं है। इस
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसके सारे प्रॉब्लम बहुत इजी हैं, जैसा कि आप 2D में पढ़े हैं, तो निश्चित रूप से इसको भी बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यह कह रहा है कि डी जो है सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रेंगल ए बी सी वर्टिसेस दिस दिस एंड दिस। तो सरकम सेंटर कहने का मतलब हो गया कि परिकेंद्र है ना, यहाँ पर एक ट्रेंगल इसमें बना हुआ है और इस ट्रेंगल का ऐसा केंद्र है यह आपका डी। डी कैसा केंद्र है, -1, 4 और -3 ऐसा केंद्र है जिससे होकर अगर हम जिसको सेंटर मानकर और इसके वर्टेक्स को हम रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करें तो यह तीनों पॉइंट से होकर गुजरती है, तीनों वर्टिसेस से होकर गुजरती है, तो इसी को हम लोग सर्कम सेंटर कहते हैं। मतलब कि वैसा सेंटर जिसको केंद्र मानने पर वह एक सर्कल ड्रॉ किया जाए इस तरह से, जो कि तीनों पॉइंट को टच करते हुए गुजरती है, तीनों पॉइंट से होकर गुजरती है, तो सरकम सेंटर होता है। एक होता है इन सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई ट्रेंगल में एक ऐसा सेंटर जो कि अंदर में जो है एक सर्कल ड्रॉ करने का अलाउ करता है, ऐसा केंद्र जो कि तीनों साइड को टच करता है कहीं ना कहीं, तो ये जो होता है आपका इन सेंटर होता है। ये क्या होता है, आपका इन सेंटर होता है, और यह जो है आपका सर्कम सेंटर हो गया। तो इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ए आपका दिया गया है 3, 2, -5 और बी जो है दिया गया है -3, 8 और -5 और सी जो है आपका दिया गया है -2, 3 और 2 सॉरी +2 और ये 1 दिया गया है। तो ये सर्कम सेंटर तभी होगा ना जब इस डी से डी सी, डी से डी ए और डी से आपका डी बी, यह तीनों लेंथ अगर बराबर होगा, यानी कि तभी इससे होकर एक सर्कल पास हो सकता है। तो यहाँ पर सर्कम सेंटर पता लगाने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है कि निकाल देना है डी ए, डी ए निकाल देना है, डी बी निकाल देना है और यह डी सी निकाल देना है। तो डी ए हम लोग निकालते हैं, तो ये क्या है आपका, देखिए डी ए डी से ए तक, तो 3 -1, 3 में -1 करेंगे, 3 -1 का होल स्क्वायर, अब फिर उसके बाद 2 -4 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस -5 -3 का होल स्क्वायर, -5 -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो यह आपका जो है हो जाता है 3 -1, 4 का स्क्वायर, 2 -4 तो -2 का स्क्वायर, अब फिर उसके बाद -5 + 3 तो -2 का स्क्वायर। तो अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यह 16 + 4 + 4, तो यह आपको मिलता है √24 मिलता है। अब db को भी निकाल के देख लेते हैं, भाई db जो है आपका यही है, और इसमें ऐसा करते हैं -1 -3, तो √-1 -3 का होल स्क्वायर कीजिए, और फिर उसके बाद 4 - 8 का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब फिर उसके बाद -3 -5 का होल स्क्वायर, -3 -5 का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो इससे हमको क्या मिलता है, इससे हमको मिल जाता है 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, अब फिर उसके बाद यहाँ पर 2 का स्क्वायर, तो 2 × 2 = 4 प्लस 16 प्लस 4, तो यह आपका √24 हो गया, यानी कि यह दोनों √24 ही है। उसके बाद हम लोग DC निकाल लेते हैं, तो DC भी निकाल ही लेते हैं, तो यह DC आपका हो गया -3 - 1 -3 - -1, किसी भी पॉइंट में किसी को माइनस कर सकते हैं, जैसे अगर इसमें इसको माइनस कर रहे हैं तो इसी में हमेशा करेंगे दूसरे ऑर्डिनेट के लिए भी, है ना। तो यहाँ पर 2 - 4 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ पर 1 - -3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, ये हमको देता है -2 का स्क्वायर,
ये देता है माइनस टू का स्क्वायर, ये देता है हमको फोर का स्क्वायर। तो देखिए यह भी फोर प्लस फोर प्लस है ना, उसके बाद यहाँ पर हो गया आपका 16। तो इस तरह से यह जो वैल्यू निकल जाएगा √24 निकल जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि DA इक्वल टू DB इक्वल टू DC इक्वल टू R जो कि कांस्टेंट है, और यह कांस्टेंट किसके बराबर है भाई, √24 के बराबर है ना। देयरफोर D जो है इज सरकम सेंटर, सरकम सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सरकम सेंटर हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि सो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो जैसा कोलिनियर हम लोग 2D में कोलिनियर प्रूव करते थे, उसी तरह से इस तीनों पॉइंट को कोलिनियर दिखा सकते हैं। तो इसमें भी हमको डिस्टेंस फॉर्मूला का ही उपयोग करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि AB को निकाल लेंगे। AB को आप निकालिएगा तो यह आपका, इसमें इसको माइनस करते हैं तो 3 माइनस माइनस 1 तो +1 का होल स्क्वायर, अब +-5 -0 का होल स्क्वायर, अब +1 -8 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो √90 आएगा। अब फिर BC हम लोग निकाल लेते हैं। तो BC निकालने के लिए देखिए B-C यानी कि -1 -7 कर दीजिए, या 7 -1 कर -1 कर दीजिए। तो 7 -1 का होल स्क्वायर करते हैं, और उसके बाद -10 -0 का होल स्क्वायर करते हैं, और फिर -6 -8 का होल स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा यह आपका 8 का स्क्वायर हो गया, यह आपका -10 का स्क्वायर हो गया है ना, और उसके बाद यह आपका हो गया -14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू आप निकालिएगा ना +14 का स्क्वायर, तो यह आपका 360 निकल जाएगा, यानी कि इसको √90 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर AC चलिए निकाल लेते हैं, इस जगह AC निकाल लेते हैं। AC को भी जब निकालेंगे A और C, तो 7 -3, 7 -3 का होल स्क्वायर, -10 -5 तो ये होता है आपका -5 का स्क्वायर। अब -6 -1 करते हैं तो -7 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से 16 + 25 यहाँ पर आपका 4 हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और यह 7 का स्क्वायर 49, तो ये हमको देता है √90। ये हमसे मिलता है √90। अब यहाँ पर देखिए कि किसी दो का सम यानी कि AC प्लस AB का जो सम है यह BC के बराबर है, यह देखिए BC के बराबर है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स आर क्या है, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स जो है आपका कोलिनियर पॉइंट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम आप लोग 2D में भी बहुत सारा बना चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व फॉर्म बाय द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। कहता है क्या कि ए और बी दो पॉइंट है, ए पॉइंट यहाँ है मान लीजिए, बी पॉइंट यहाँ है, और इसमें से हमको एक लाइन का या कहते हैं कर्व का, उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो हमेशा इससे इक्विडिस्टेंस रहता है। जैसे ये डिस्टेंस जो है आपका इक्वल है, x1 x2 x1, ये x1 है तो यह भी x2 है। अब यही लाइन पर कोई दूसरा पॉइंट लिए और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस जो है वही सेम डिस्टेंस इसका भी है। अब मान लीजिए इस लाइन पर एक तीसरा पॉइंट लिए तो तीसरा पॉइंट में भी जो डिस्टेंस यह है जो वही डिस्टेंस यही है। कहने का मतलब कि यह तभी संभव होगा जब ए और बी है ना
पॉइंट हो और इसका परपेंडिकुलर अगर बाइसेक्टर हम लेते हैं तो तभी इस पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कहीं से भी मेजर कीजिए, तो हमेशा दोनों का डिस्टेंस जो है ये लेंथ इक्वल, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल होगा। तो इस सिचुएशन में जो लाइन बन रहा है इसका हमको इक्वेशन निकालना है। तो इसके इक्वेशन को निकालने के लिए इसका जनरल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं एक्स वाई और जेड, पी कोई पॉइंट मान लेते हैं, यानी कि पी ए जो है पी बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इट मीन्स पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर भी हो सकता है। अब देखिए पी ए हम लोग निकाल लेते हैं, यानी कि एक्स माइनस माइनस वन तो प्लस वन का स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई माइनस टू हो जाएगा का स्क्वायर, अब फिर जेड माइनस थ्री का स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर अब प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर अब प्लस जेड माइनस वन का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, यह जो इक्वेशन आपको मिलेगा यही मिल जाएगा आपका इस लाइन का इक्वेशन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाई माइनस टू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये दोनों तो डायरेक्ट कटिए जाएगा, ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन अब प्लस जेड स्क्वायर प्लस सिक्स नाइन माइनस सिक्स जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन माइनस सिक्स एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस वन माइनस टू जेड। एक्स स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर प्लस नाइन है तो प्लस नाइन खत्म। उसके बाद ये जो बच जाता है टू एक्स और यह प्लस सिक्स एक्स माइनस सिक्स जेड और यह आपका प्लस टू जेड, यहाँ भी प्लस वन है यहाँ भी प्लस वन है, इतना सा ही हमारा बचता है जिसको हम लोग कह सकते हैं ये सिक्स एक्स है, माफ करेंगे तो यह एट एक्स माइनस फोर एक्स इक्वल टू जीरो। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर कॉमन ले ले तो टू एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो, देयर फोर टू एक्स माइनस जेड इक्वल टू जीरो। यही वह इक्वेशन हो जाएगा लाइन का, इस लाइन का जो कि हमेशा इस दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पे होता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखने से पहले मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 14, ये सब जो है एक ही टाइप का प्रॉब्लम है। अगर कोई एक आप बना लेते हैं तो आगे भी आपको बनाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस दिस। तो यह पॉइंट आपका ए जीरो जीरो एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है आपका जीरो बी जीरो है, तीसरा पॉइंट है आपका जीरो जीरो सी है और चौथा जो पॉइंट ओ दिया गया है जीरो 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 दिया गया है। इस चारों पॉइंट से जो है पी एक खास ऐसा पॉइंट है एक्स वाई जेड जो कि इक्विडिस्टेंस है, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी ओ, ये चारों लेंथ जो है आपका इक्वल है। तो पी ए हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, पी ए निकाल लेंगे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस, या तो पी ए स्क्वायर निकालिए, ये सहूलियत होगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस जीरो का स्क्वायर तो y स्क्वायर, z माइनस जीरो का स्क्वायर तो z स्क्वायर। अब पी बी स्क्वायर निकालते हैं तो x का स्क्वायर x माइनस जीरो का स्क्वायर y माइनस बी का स्क्वायर प्लस z माइनस जीरो का स्क्वायर, इस तरह से। अगर हम पी सी स्क्वायर निकालते हैं, है ना, पी सी स्क्वायर को हम लोग निकालते हैं तो यह आपका होता है क्या, देखते हैं। तो पी सी स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस पी हो गया ये पॉइंट और सी हो गया ये पॉइंट, एक्स माइनस जीरो
का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो तो वाई स्क्वायर जेड माइनस सी का होल स्क्वायर। तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपको क्या मिलता है, यह मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू वाई बी प्लस जेड का स्क्वायर। ये आपको मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू जेड सी, इस तरह से। इसके बाद हम लोग जो है पी ओ भी निकाल लेते हैं। तो पी ओ जो है स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होगा, फिर एक्स माइनस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर तो जेड स्क्वायर ही होगा। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि बारी बारी से कि इस पी ए स्क्वायर को हम पी ओ का स्क्वायर लिख सकते हैं, इस पी बी के स्क्वायर को हम अगेन पी ओ का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यह पी सी के स्क्वायर को पी ओ का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस जो है आपका क्या है इक्वल है। इसलिए अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि ये आपका है पी ए का स्क्वायर और ये आपका है पी ओ का स्क्वायर। अब दोनों साइड, एक साइड ये और एक साइड ये रहेगा, तो निश्चित रूप से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ इतना इक्वल टू हमको जीरो मिलता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इक्वल टू जीरो। इससे हम लिख सकते हैं कि ए माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स का जो वैल्यू है आपका ए बाय टू मिल जाता है। उसी तरह से यह जो है आपका पी बी स्क्वायर है, देख रहे हैं, और पी ओ स्क्वायर ये है आपका, एक तरफ लेफ्ट साइड में ये और राइट साइड में ये, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ भी हमको मिल जाता है बी स्क्वायर माइनस टू वाई बी इक्वल टू जीरो। इससे हम y का वैल्यू निकालेंगे तो यह b बाय टू आएगा, उसी तरह से z का वैल्यू इससे c बाय टू आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं रिक्वायर्ड पॉइंट तो हमारा एक्स वाई जेड है, तो जो कि a बाय टू और यह b बाय टू और यह c बाय टू हमारा प्राप्त हो जाता है। पॉइंट्स है ना, वो खास पॉइंट जो कि इससे इससे और इससे इससे एक फिक्स डिस्टेंस पे है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अब जो है एक लास्ट प्रॉब्लम 16 नंबर बनाएंगे और इसकी समाप्ति की घोषणा कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन है। तो एक्स वाई प्लेन पर एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कि विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस दिस और दिस। तो आपको शुरू में ही बताया भाई, ये आपका जो है एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। तो एक्स वाई प्लेन में जो भी पॉइंट होगा उसका जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा, यह ए बी और जीरो के फॉर्म में होगा। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट ए बी जीरो बी द पॉइंट है ना ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन पर पॉइंट है पी कोई, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी हो गया। इसी को आप पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर इक्वल टू पी सी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग बहुत सारा प्रॉब्लम बनाए होंगे। तो अब हम पहले करते हैं क्या कि पी ए निकालते हैं। तो पी ए स्क्वायर निकालते हैं, ये रहा पी और ये रहा आपका ए। तो a माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस b माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस थ्री का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस टू का होल स्क्वायर b का स्क्वायर अब प्लस नाइन हो जाएगा आपका। और इसको हम लिख सकते हैं क्या कि a स्क्वायर
प्लस फोर प्लस फोर ए माइनस फोर ए, क्षमा करेंगे, माइनस फोर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस नाइन लिख सकते हैं। इसके बाद पी बी का स्क्वायर जब निकालेंगे आप, तो यह आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी प्लस थर्टीन मिल जाएगा, है ना। सॉल्व करके देख लीजिएगा। और यह पी सी का स्क्वायर जो है आपको मिल जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन मिल जाएगा। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन कि पी ए स्क्वायर को पी बी के पी सी के स्क्वायर हम लिख सकते हैं, और यह पी बी का स्क्वायर जो है इसको भी पी सी के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पी ए स्क्वायर हमारा इतना मिला हुआ है जो कि ए स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस नाइन, है ना, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया आपका, तो यहाँ पर हमको मिलता है फोर ए माइनस फोर ए इक्वल टू यह नाइन प्लस फोर थर्टीन, और थर्टीन आपका राइट साइड में गया तो माइनस ट्वेल्व हो गया, तो ए का जो वैल्यू है थ्री मिल जाता है। उसी तरह से पी बी स्क्वायर जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी प्लस थर्टीन, जो कि बराबर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन के। इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, तो माइनस सिक्स बी इक्वल टू माइनस ट्वेल्व मिल जाएगा। तो बी का जो वैल्यू है आपको प्राप्त हो जाएगा टू, इसलिए रिक्वायर्ड पॉइंट जो है थ्री टू और हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से यह एक्सरसाइज आपका समाप्त होता है, और इसमें इस ईयर के लिए, है ना, सेक्शन फॉर्मूला हम लोगों को नहीं पढ़ना है। सेक्शन फॉर्मूला जो है कोविड-19 के चलते जो आपका सिलेबस रिड्यूस किया गया, उसमें सेक्शन फॉर्मूला को हटा दिया। आप चाहते हैं तो आप सेक्शन फॉर्मूला बड़ी आसानी से बना सकते हैं। 2D में अगर सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिए हैं तो 3D के सेक्शन फॉर्मूले को बनाना उतना मुश्किल नहीं हो जाता है। इसी के साथ यह 3D का जो चैप्टर है आपका, थ्री डायमेंशनल डायमेंशनल ज्योमेट्री जो होता है आपका, समाप्त होता है। और आपकी अच्छी उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मन लगा के पढ़ते रहिए। इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।